गुजरात भर के 14 जिले में 27 बार एक ही लड़की की शादी करवाकर धोखाधड़ी करने वाली वैसी ठगी महिला की आखिरकार पैरोल फ्लॉ स्क्वाड द्वारा गिरफ्तारी की गई। गुजरात भर के 14 जिला में एक ही लड़की की 27 बार शादी करवाने के साथ ठगाई यानी कि धोखाधड़ी करने वाली वैसी ठगी महिला की आखिरकार पैरोल फ्लॉ स्क्वाड द्वारा गिरफ्तारी की गई। भरूच जिला और जिला के बाहर फरार वैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए फरार कैदी को पकड़ने के लिए पैरोल फ्लॉ स्क्वाड की टीम के सदस्यों द्वारा भरूच शहर विस्तार में पेट्रोलिंग जारी की गई थी। तो वहीं मिली खबर के आधार पर महिला अपराधी वैसी वहीदा उर्फ मुन्नी उर्फ मीना अल्लाह रखा पठान को पकड़ा गया, जहां ये महिला द्वारा अलग अलग शादी के करार के आधार पर गलत नाम धारण करने के साथ और शादी के करार स्टैम्प पर पेपर तैयार करने के साथ झूठे दस्तावेजों के आधार पर गुजरात के 14 जितने जिला में 27 बार एक ही लड़की के साथ अलग अलग लोगों की शादी करवाने के साथ ठगाई की गई थी, जिसके बाद मलेशिया स्थित किए गए गुना में भी 4 साल तक मलेशिया जेल में भी ये महिला अपराधी सजा भुगत आ चुकी है, जिस अंतर्गत आज भरूच ए डिवीजन पुलिस द्वारा मिली खबर के आधार पर उसके घर से ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए सघन कार्यवाही जारी की है। एक महिला आरोपी वहीदा उर्फे मुन्नी उर्फे मीना वाइफ ऑफ अल्लाह रखा पठान रहवासी रूमका स्कूल भरूच नावों ने अटक करेल। जे महिला आरोपी 5 वर्ष पहला भरूच बी डिविजन खाते गुनो नोधाय तेमा वॉन्टेड आरोपी हती। आनी एमओय ए प्रमाणे थी के आ 14 जिल्लाओं में एक ज युवतीना 27 थी वधारे लग्न करावे छे आरोपी अने लग्न में छेतरपिंडी करावी आरोपी ने फसावता हता। અને આ જ આરોપી મલેશિયામાં આ જ પ્રકારનો ગુનો કરેલ છે અને મલેશિયામાં છેલ્લા 4 વર્ષથી જેલ સજા કાપી પરત ભારત આવેલ અને એ બાદથી પેરોલ કોલર સ્કોડના પીએસઆર મળતા આજ રોજ આ મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એટલે જે ભરૂચ ગુજરાત રાજ્યના 14 જિલ્લાઓમાં એમની સંડોવણી બહાર આવી છે અને